मुर्गे इसलिए तो इतना रात को इतना कुछ नहीं, मुर्गे में एक छोटा छोटा करके चिंती रहता है, इसलिए तो रात को इतना बिस्तर पे कुछ पड़ा है। मैं रोज मैं उस दिन से नोटिस कर रहा हूं कि मेरा उस दिन से नोटिस कर रहा हूं कि मेरा क्या एक गरीब फैमिली से एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई उतरे तो क्या एक गरीब का बेटा बेटी लोग क्या अधिकार नहीं है कि एक्टर और एक्ट्रेस बने? क्या सिर्फ यही अधिकार है कि अमीर अमीर लोग बने और बड़े बड़े लोगों हाथ बड़े बड़े जिन लोगों के साथ हाथ है उन लोगों को सिर्फ बने हैं? क्या अधिकार नहीं है कि हम लोग एक्टर बने एक्ट्रेस बने या कुछ मतलब मीडिया पे जाए? हम लोग का क्या अधिकार नहीं है दोस्तों? आप लोग बताओ क्या हम लोग का अधिकार नहीं है? हम लोग का बस्ती का लोग मुझे क्यों इतना जलते हैं, क्यों मुझे अनाप शनाप मुझे बात बोलते हैं? क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं एक एक्टर बनूं? हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए मैं बना हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे मुझे मना भगवान ने मुझे मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए बना हूँ या मतलब कुछ काम करने के लिए बना हूँ। मुझे नहीं लगता है मतलब, और मुझे लगता है कि मैं मेरा दिल से मानता हूँ और मैं मेरा दिल का बात कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे लोगों को हंसाने के लिए आया हूँ, खुशी, और मुझे लगता है कि मैं डांस करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। फिलहाल मैं इतना अच्छा से डांस तो नहीं कर पाता, लेकिन मैं फिर भी मैं करता हूँ, अपना बेस्ट देता हूँ प्रोग्राम में। और बहुत ही चुपता है गाइस, तो मुझे थप्पड़ मार दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सर काट दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे से आके वार कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब यहाँ से जब तीर निकलता है ना तो सीधा यहाँ पे पड़ता है, ऐसा अनाप शनाप फरफराते हैं ना कोई कोई लोग। घर का बैकग्राउंड का बारे में बताता है, मम्मी पिताजी का बारे में बताता है, ऐसे वीडियो बनाता है। मम्मी बाहर में निकल के आते जाते हैं, सुन के आते हैं, मोनू ऐसा क्यों बना रहा है, मोनू ऐसा क्यों नहीं बनाना चाहिए, और यहाँ पे आके थोकता है मेरा कान पे, मम्मी ऐसा बोला है। मैंने बोला बोल दे और बोल, तू कितना बोलेगा, मैं और भी मैं बोलूंगा, आई डोंट केयर। बाहर में जाए ये बस्ती, बाहर के जाए ये लोग, अकेले हूँ, बिंदास हूँ, किसी का खाया नहीं हूँ, किसी का बाप का खाया नहीं हूँ, अकेले खुद से खाया हूँ, खुद कमाता हूँ, मम्मी पिताजी कमाते हैं, मम्मी पिताजी का हाथ से खाता हूँ, जो खाने के लिए दिल करता है वही खाता हूँ, किसी का औकात नहीं है यहाँ पे मुझे बोलने के लिए, है कि नहीं गाइस? गरीब वो नहीं है जो झोपड़ियों में रहता है, गरीब तो वो है जो दौलत के लालच पर इन झोपड़ी वालों को ताना मारते हैं, ठेका देते हैं, जाना सना बात बोलते हैं, अपना लेवल का नहीं सोचते हैं, गरीब तो वो है। हम लोग तो बिंदास है, पेट भी सपा है, मन भी खुला है, दिल भी सपा है, आदमी भी बोगा है, मुंह भी बोगा है, मुंह में बात कुछ भी, पेट में कुछ भी बात रहता नहीं है, जो आता है बोल देता हूँ गाइस। मैं बचपन से ऐसा हूँ, बचपन से मैं कुछ भी बात में छुपाता नहीं हूँ, मैं सब कुछ बात में बचपन से, मतलब मेरा मम्मी लोग डरते हैं, मैं जब स्कूल में जाता हूँ मुझे वार्निंग देते हैं, देखो तेरा मुंह, बचपन से मुझे ये बोलता है, सीख दे के आया है, मम्मी है तो सब कुछ है, नहीं तो पता नहीं यार मैं कहाँ क्या हो जाता, मैं कितना बस बदमाश हो जाता, ये पीने के लिए मैं लग जाता, सिगरेट खाने के लिए मैं ये करने के लिए लग जाता, मैं अलग अलग लोगों के साथ मेरे में फालतू काम करने के लिए लग जाता, लेकिन मम्मी मुझे मना करते हैं, नहीं ये गलत है, मम्मी पिताजी है तो सब कुछ है। तो थैंक्स द लॉर्ड, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा मम्मी है मेरा घर पे, मुझे मना करने के लिए मेरा मम्मी है खराब काम के लिए। तो ये सब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये सब कोई भी खराब काम नहीं है, तो इसलिए मेरा मम्मी लोग मुझे नहीं कहते कि वीडियो मत बनाओ बोल के, बनाओ अच्छा से बनाओ बोल के, लेकिन मैं भी थोड़ा सा सतर्क करता हूँ। तो मम्मी लोगों का अधिकार बनता है, मम्मी लोग मुझे सिखाते हैं यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, मम्मी लोग मुझे ये कंट्रोल करते हैं। तो आप लोगों का उन बस्ती लोगों का बात को मैं क्यों सुनूं? क्या दरकार है मुझे पब्लिक का बात सुनने के लिए? मेरा घर में मुझे भड़काने के लिए या मुझे कुछ ऐसा सब कह देने वाले भी या खराब शब्द कह देने वाला भी मेरा मम्मी है, मेरा पापा है, मेरा भैया है, मेरा भाभी है, तो मैं क्यों सुनूं मैं दूसरों का बात? मैं सुनने वाला नहीं हूं दूसरों का बात। तुम लोग जितना भी मेरा मम्मी को, मुझे बस्ती का लोगों को मैं कह रहा हूं, मेरा मम्मी को तुम लोग जितना भी कान भरा लो, ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा, किसी बाप का नौकर नहीं हूं यहां पे जो मुझे वीडियो बनाने के लिए इनकार कर रहे हैं। बदतमीज लोग, रहो अपने औकात से, और जो जो लोगों ने मुझे गाली दिया था वो सब पूरा ये पूरा बिल्डिंग घर बना के बिल्डिंग घर बना के पूरा सजाया हुआ है, उन लोगों का बिल्डिंग में मैंने तो कुछ एक बिल्डिंग तो एक कमरा तो नहीं मांगा है ना, उन लोगों का बिल्डिंग में जाके एक वीडियो तो मैंने नहीं बनाया है। मैं मेरा ताजमहल पे मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा घर पे मैं वीडियो बनाता हूँ, यही मेरा जन्मभूमि है, मैं यहाँ पे जन्म हुआ हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, तो इससे क्या है तुम लोगों का? जड्डा मेरा बारे में क्यों? मैं देखो मैं गर्म हो जाने से गर्म फायर हो जाता हूँ, मैं
जड्डा मेरा मम्मी को आलतू फालतू बात बोल के भड़कना बंद करो मेरा बारे में। कल मम्मी वहां पे गया है, बोला है मोनू ऐसा वीडियो बनाता है, ऐसा वीडियो ऐसा बनाने के लिए मत दो, आलतू फालतू लग रहा है, वो सेलिब्रिटी हो रहा है, क्या मतलब क्या बात बोलता है, गुस्सा ही लग जाता है। तेरा बाप सेलिब्रिटी, इंसान हूं मैं एक इंसान हूं और मैं इंसान की तरह मैं जीना चाहता हूं। मेरा पैरों पे मेरा मम्मी का कान भरा 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 के मेरा पैरों में मेरा पैरों पे एक लोहा का जकर बन के बांधने के लिए कुछ मत करो, मुझे खुला द्वार है, मुझे उड़ने दो, जहां पे मौका मिले मुझे जाने दो। जड्डा मेरा मम्मी को कान भरा 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 के तुम लोग अल्टो पल्टो बात करना बंद करो। बाटम श्लोक, मम्मी को भी वार्निंग देता हूं, जहां तहां बात बोल बोल के मुझे यहां पे भड़का मत। जिस जिसका काना यहां पे जाता है वहां पे एक एक शब्द सुन के आता है, यहां पे आके धमकी देता रहता है, करता रहता है, उन लोगों का बाप ना का नहीं खाया हूं ना मैं। अभी काम करो गाइस, यहां पे देखो ये सब काम करो, और यहां पे भाई सोया हुआ था, बिछौना तो लिबो लागी बो। गाइस मैं यहां पे घर में देखो गाइस बिस्तर ये कर दिया गाइस, कुछ पता चला है गाइस, मम्मी इतना शैतान है, इतना बदमाश, इतना हराम है। मैं क्यों बोलता हूँ, मैं यहाँ पे सोता हूँ, मेरा पीछे में मुर्गी रखा है गाइस, अंडा देने वाला मुर्गी रखा है गाइस, मैं दिखाता हूँ ये देखो मुर्गी, इसीलिए तो इतना रात को इतना खुजली, मुर्गी में एक छोटा 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 करके एक चिमटी रहता है, इसीलिए तो रात को इतना बिस्तर पे खुजली होता है। मैं उस दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा बॉडी इतना खुजली क्यों कर रहा है। मम्मी बिस्तर का नीचे में मुर्गी रखता है, सब कुछ लेके जाओ मम्मी, ऐसा मत करो। वाह यहाँ पे मुर्गी रखा हुआ है इसीलिए तो उमोनी ले लिया कि नहीं, उमोनी दौड़े ना नहीं यहाँ पे मत रखो, नहीं खोजवाए, रात को इतना खुजली है।